1950 में ऐसे हुई थी स्वतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस की पहली परेड। भारतीय गणतंत्र दिवस की पहली परेड 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है। हालांकि अब यह परेड राजपथ पर होती है। देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई थी। पहले गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी गई, जो एक परंपरा बन गई और आज भी कायम है। तोपों की सलामी के बाद परेड की शुरुआत होती है, जिसे देखने के लिए स्टेडियम में 1500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। पहले गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस परेड में भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया, जिनमें नौसेना, इन्फेंट्री, कैवेलरी, रेजिमेंट सर्विसेज, रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो बने थे।